पटना की साहित्यिक संस्था लेखिया मंजूषा की साहित्यिक मासिक गोष्ठी का आयोजन द इंटरनेशनल ऑफ इंजीनियर्स भवन आर ब्लॉक में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण के बाद पटना की नव लेखिका प्रियंका श्रीवास्तव शुभ्र की पुस्तक कहानी संघर्ष श्रद्धांजलि से तर्पण तक का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पटना दूरदर्शन की पूर्व निदेशिका डॉक्टर रत्ना पुरकियास्था, जेपी विश्वविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिता राकेश, असम सिलचर से आए वरिष्ठ कवि चित्तरंजन भारती, वरिष्ठ शायर प्रेम किरण उपस्थित रहे। कवि घनश्याम शुभचंद्र सिन्हा भी उपस्थित थे। वहीं अपने उद्बोधन में डॉक्टर रत्ना पुरकियास्था ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और आप मुझे जब भी मौका मिलता है आप यहाँ आने का निमंत्रण देती है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। और परिवार के बीच आकर जैसे आदमी खुश होता है, आजादित होता है, तो शायद मैं यहाँ आकर वैसे ही होती हूँ, एक छोटी सी बच्ची बन जाती हूँ। जहाँ आकर मेरे अंदर का बचपना जो है वो खिलखिलाना चाहता है, ठहाके मारना चाहता है, चार दीवारी से बाहर निकल कर बोलना चाहता है। और शायद ये महिलाएं जो मेरे सामने बैठी हैं, ये महिलाएं लगभग सभी के चाहूंगी कि जो आप संगठित होकर कर रही हैं वो जारी रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम आपने बीड़ा उठाया है। और इसमें मैं किसी एक की भूमिका को नहीं करूंगी, इसमें सबकी भूमिका, सहभागिता से सब कुछ बनता है। सबसे पहले तो मैं मेरे मायके से आए हुए अतिथि भारती जी, आप मेरे मायके से आए हैं, मेरा घर भी सिलचर है। और आप सोच सकते हैं इसीलिए मैं बैठी हुई थी कि मैं अपने मायके वाले को छोड़कर मैं कैसे चली जाऊंगी। मेरा मायके आसाम में सिलचर के पास से थोड़ी दूर 50 किलोमीटर दूर एक गांव है पाथर क्रांति। वही इस दौरान पुस्तक पर राय रखते हुए जेपी यूनिवर्सिटी की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिता राकेश ने कहा कि साहित्य गोष्ठियों संगोष्ठियों का यह सकारात्मक पहलू है कि नए लेखकों की किताब संस्था में लोकार्पण होती है। अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति करनी चाहिए, वरना मन में रखे भावों इंसान को कुंठित बना देते हैं। पर्यावरण पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा से अधिक संरक्षण की जरूरत है। वरिष्ठ कवि घनश्याम ने किताब की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द ही वह लिखित समीक्षा प्रियंका को सौंपेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे असम सिलचर से आए वरिष्ठ कवि ने लेखिका मंजूषा का हार्दिक अभिनंदन करते हुए पर्यावरण पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत में वृक्षारोपण करने के बाद सभी अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया। इसके बाद पर्यावरण से संबंधित काव्य पाठ का आयोजन किया गया। मंच संचालन मशहूर शायर सुनील कुमार ने किया। पटना से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। मेरा प्रणाम है। कई दिनों से बारिश का मौसम चल रहा है, सुंदर सुहाना सा मौसम। और मेरी कविताओं में फिर वही दर्द, आओ न प्रिय पीड़ किसको सुनाए, आओ न प्रिय पीड़ किसको सुनाए, तुम बिन तनिक भी न ये घन सुहाए। आओ न प्रिय पीड़ किसको सुनाए, तुम बिन तनिक भी न ये घन सुहाए। धरा तृप्त करके घटा इतराए, धरा तृप्त करके घटा इतराए, भरे है जलाशय कृषक झूमे गाये। धरती सजी है हरी सी भरी सी, धरती सजी है हरी सी भरी सी, तेरी राह में धूप मैं बेसुध खड़ी सी। धरती सजी है हरी सी भरी सी, तेरी राह में हूँ मैं बेसुध खड़ी सी। नैनों में कैसे ये काजल लगाए, नैनों में कैसे ये काजल लगाए, मुरझाए मुखड़े को कैसे सजाए। नैनों में कैसे ये काजल लगाए, मुरझाए मुखड़े को कैसे सजाए। आओ न प्रिय पीड़ किसको सुनाए, तुम बिन तनिक भी न ये घन सुहाए। सदियों की जैसे अतृप्ति ये मेरी,
सदियों की जैसे अतृप्ति ये मेरी, बिना तेरे कैसे मिटे प्यास मेरी, बिना तेरे कैसे मिटे प्यास मेरी। तुमने विरह की अगन है लगाए, तुमने विरह की अगन है लगाए, बेचारा ये बादल कहाँ से बुझाए, बेचारा ये बादल कहाँ से बुझाए। ऐसे जो निष्ठुर पिया बन गए हो, बताओ तुम ही तुमको कैसे मनाए। ऐसे जो निष्ठुर पिया बन गए हो, बताओ तुम ही तुमको कैसे मनाए। आओ कि मेरा भी तन मन जुड़ाए, ठंडी फुहारों में मिलके नहाए। आओ कि मेरा भी तन मन जुड़ाए, ठंडी फुहारों में मिलकर नहाए। आओ न प्रिय पीड़ किसको सुनाए, बारिश की बूंदे बड़ा ही सताए, बारिश की बूंदे बहुत ही सताए। और एक हाफिज ने लिखा है जल संरक्षण पे, अभी बात हुई थी इसलिए मैं चाह रही हूँ उसको सुना देना, बस एक मिनट लगेगा सर। माना गर्मी बहुत है पर इतना मत नहाइए, माना गर्मी बहुत है पर इतना मत नहाइए, पोते पोतियों के लिए भी पानी तो बचाइए, पोते पोतियों के लिए भी पानी तो बचाइए। इधर उधर निंदा चुगली में समय न गवाइए, इधर उधर निंदा चुगली में समय न गवाइए, किस तरह बचाए पानी दिमाग उसमें लगाइए, किस तरह बचाए पानी दिमाग उसमें लगाइए। पानी के साथ यूं गुलझर्रे न उड़ाइए, पानी के साथ यूं गुलझर्रे न उड़ाइए, नहीं मिलेगा पीने को अभी से संभल जाइए, नहीं मिलेगा पीने को अभी से संभल जाइए। कहती है अभिलाषा इसकी हंसी न उड़ाइए, कहती है अभिलाषा इसकी हंसी न उड़ाइए, इतना नहा नहा कर यूं पानी न बहाइए, इतना नहा नहा कर यूं पानी न बहाइए। धन्यवाद। जो कि बेटी पर आधारित है, जन्म से पूर्व जिसे मारने की करते हैं साजिश, हम है वो बेटियां, प्यार के बिना ही जो बड़ी हो जाती हैं, सबका ख्याल रख प्यारी बन जाती हैं, हम है वो बेटियां, बाबुल के आंखों की न्यारी बन जाती हैं, जिनके विदाई पर बाबुल की आंखें भर जाती हैं, हम है वो बेटियां। बेटी से बहू बनते ही परिपक्व हो जाती है, बेटी से बहू बनते ही परिपक्व हो जाती है, दो घरों को जोड़कर प्यार बरसाती है, हम है वो बेटियां। घर बाहर दोनों जतन से संभालती है, औरों के लिए हर दिन जो जीती और मरती है, हम है वो बेटियां। समय बदला लेकिन अब इसमें थोड़ी सी बदलाव आई, हाँ नहीं कम खुशी है। समय बदला, जमाना बदला, नजरिया भी बदला, अब स्कूल कॉलेज क्या नौकरी भी करती है बेटियां, अब स्कूल कॉलेज क्या नौकरी भी करती है बेटियां, स्कूटर कार नहीं रेल इंजन और हवाई जहाज भी उड़ाती है बेटियां, नग्न विचरण कर अंतरिक्ष में जाती है बेटियां, घर बाहर हर जगह अब समान अधिकार पाती है बेटियां। मुझे गर्व है मैं किसी की बेटी हूँ और बेटी की माँ हूँ, गर्व से सब मिलकर बोलो बेटी मेरी संसार है, इनसे ही सस्ता पूरा संसार है।